सात फेरों के पहले बेहोश हुआ दूल्हा, होश में आने से पहले ही दुल्हन ने शादी से किया इनकार। जी हाँ, जानिए क्यों। तो आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दूल्हे को अपना गंजापन छिपाना भारी पड़ गया। शादी समारोह के बीच सात फेरों से पहले कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हे की सच्चाई सबके सामने आ गई। सिर से नकली बाल हटते ही शादी समारोह में मौजूद लोग हंस पड़े, वहीं दुल्हन के तो होश ही उड़ गए। दुल्हन को ये झूठ इतना नागवार गुजरा कि उसने शादी से पहले ही इनकार कर दिया। जी हाँ, पुलिस तक मामला पहुंचा, लेकिन बारात बिना दूल्हे के बैरंग ही वापस लौट गई। दरअसल सफीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के परियर गांव निवासी एक व्यक्ति की बेटी की आवास विकास कॉलोनी थाना कल्याणपुर कानपुर नगर से बारात आई थी। बारात का धूमधाम से स्वागत किया गया। जयमाले के बाद सात फेरों के समय दूल्हे को अचानक चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। दुल्हन के भाई ने दूल्हे के चेहरे और सिर पर पानी के छींटे मारे और सिर सहलाने लगा। तभी सिर में लगी विग निकलकर हाथ में आ गई। नजारा देखकर पहले तो लोगों की हंसी छूट गई और दुल्हन के होश उड़ गए। दुल्हन पक्ष ने धोखा देने की बात कहते हुए दूल्हे को ही बंधक बना लिया। दुल्हन और उसके परिजनों ने फेरे लेने और शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। इसके बावजूद भी दुल्हन शादी को तैयार नहीं हुई। पूरा हिसाब लिखित में होने के बाद दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन के वापस लौट गया। इस मामले में परियर चौकी प्रभारी रामजीत यादव ने बताया कि दूल्हे के सिर पर विग लगी देखने के बाद दुल्हन पक्ष विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में लिखित में समझौता हुआ, जिसमें दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को 5,60,000 रुपए देगा, वहीं दुल्हन पक्ष लड़के वालों के सामान वापस करने पर सहमति बनी। तो यदि आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियोज के लिए हमें सुपर थैंक्स के द्वारा गिफ्ट भेज सकते हैं और अपना प्यार हम तक पहुँचा सकते हैं।